चलिए जी, स्वागत है आपके मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो समूह ग की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, समूह ग की 3 भर्तियों के अध्याचन मिले। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जो लेटेस्ट कैलेंडर आयोग की ओर से जारी हुआ है उसको छोड़ के नई भर्तियों के लिए आयोग ऑलरेडी पहले भी कह चुका है, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मातोलिया साहब भी लगातार कह चुके हैं कि उन्होंने शासन को लगातार जो है एक लेटर लिखा है कि आयोग अब जो है नई भर्तियों के लिए तैयार है। इसको लेकर आप देख सकते हैं बड़ी खबर आ रही है कि समूह ग की 3 भर्तियों के अध्याचन आयोग को मिल गए हैं। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग की 3 भर्तियों के अध्याचन भेज दिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले ही आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग को जो लगभग 18 से अधिक भर्तियों जो ट्रांसफ़र कर दी गई थी, एक जीओ जारी करके वो वापस भर्ती रिवर्ट कर दी गई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। इसी संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग की 3 भर्तियों के अध्याचन भेज दिए हैं। इसमें कौन सी भर्तियाँ हैं चलिए देख लीजिए। इसमें जो है वैकल्पिक सहायक, उसके अलावा कनिष्ठ सहायक, कर्मशाला सहायक शामिल हैं। आयोग इनका अध्ययन कर रहा है, जल्द ही यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी, यानी कि आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही समय नहीं, ये आपको लगभग फरवरी, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि फरवरी के आसपास आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नया रिवाइज्ड कैलेंडर जारी हो सकता है, उसको लेकर ये एक पुख्ता सबूत आप देख सकते हैं। आयोग की ओर से एक हिंट दिया गया है कि आपको नया कैलेंडर देखने को मिलेगा, और साथ ही नई विज्ञप्ति भी आपको आयोग की ओर से देखने को मिलेगी, जिसमें आपको वैकल्पिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और कर्मशाला सहायक जैसे नए पदों के लिए विज्ञापन जारी होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जहाँ तक संभावना है मार्च के आसपास आपको जो है आचार संहिता लगती हुई नज़र आ सकती है, तो इससे पहले ही आपको रिवाइज्ड कैलेंडर और उसके अलावा आपको नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होते हुए दिखाई देगा। और क्योंकि ये जून तक थोड़ा बहुत काम रुका रहेगा, तो जैसे ही ये जून नई सरकार बनेगी आपको धड़ाधड़ जून जुलाई के बाद जो है एग्ज़ाम आपको होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार ताज़ी और स्पेशल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।